A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fifth chapter of social study, that is means of communication. बच्चों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? यस, जब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम किसी को कुछ मैसेज सेंड करना चाहते हैं या उनसे कोई मैसेज रिसीव करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. आइए हम डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं. फर्स्ट इज पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम आप सभी जानते हैं, यानी कि पोस्ट कार्ड्स के थ्रू जब हम किसी को अपना मैसेज पहुंचाते हैं तो ये क्या कहलाता है? पोस्टल सिस्टम कहलाता है. जैसे कि इनलैंड लेटर्स हो गए, पोस्ट कार्ड हो गए, स्टैम्प एनवेलप्स हो गए, ये सब जो है वेरियस जो है पोस्टल सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं. आपको पता है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम जो है इंडिया में. तो ये लेकिन आजकल ओल्ड हो चुका है. इसके बाद और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इजाद हुए हैं, इन्वेंटेड हुए हैं, जैसे कि टेलीफोन. टेलीफोन आप सभी जानते हैं फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आप तुरंत ही जो है इसका यूज़ करके कहीं पे भी आसानी से किसी भी दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारी इंडिया के हों या इंटरनेशनल कॉल्स हों, ISD कॉल्स हों या STD कॉल्स हों. आप आसानी से जो है किसी से भी जस्ट नंबर डायल करके आप बात कर सकते हैं. टेलीफोन का इन्वेंशन जो है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था. और आजकल तो मोबाइल्स भी चलते हैं, जो मोबाइल्स तो आजकल बहुत कॉमन है, सभी के पास अवेलेबल होते हैं, और ये भी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फैक्स मशीन भी जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इसको फैसीमेल मशीन भी कहते हैं. ये डॉक्यूमेंट सेंड करने के काम में आता है, जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. इंटरनेट जो है आजकल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ये लार्जेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है आज के दिनों में. लोग जो है होल वर्ल्ड में जो है इसके थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं. कंप्यूटर का यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हम जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं. टर्न द पेज. नेक्स्ट इज ईमेल. ईमेल जो है ये ओल्डेस्ट मेथड हो गई है आज के ज़माने में, क्योंकि ईमेल से और भी फास्टिंग मेथड्स आजकल आ चुकी हैं. लेकिन जो पुराने ज़माने में जो लेटर लिखे जाते थे उसको जो है कवर जो है ईमेल ने कर दिया है. जैसे कि जो लेटर्स हमें सेंड करने रहते थे, हम भेजते थे, वो आजकल हम आसानी से एक मेल के थ्रू जो है सेंड कर दिया करते हैं. ये पहले कंप्यूटर के थ्रू किया जाता था, लेकिन आजकल तो ये स्मार्टफोन लैपटॉप के यूज़ करके भी हम किसी भी को भी मेल कर सकते हैं. ये आजकल के ज़माने में बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है लेटर को सेंड करने के लिए. मास मीडिया भी बहुत ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जैसे कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, क्योंकि ये भी जो है पब्लिक को, एक वास्ट मीडिया को जो है क्या करता है, मैसेज सेंड करने का काम करता है. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंट जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं. तो ये भी जो है न्यूज़ को, जो लोग न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उनको जर्नलिस्ट बोलते हैं. तो ये भी जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का अच्छा साधन है. रेडियो और टेलीविज़न जो है ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ऑल इंडिया रेडियो जो है ये तो आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है. अभी इसमें जो है करंट टॉपिक्स पे जो है वेरियस न्यूज़ेस, वेरियस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जाते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आती है. लेकिन ये ऑडियो होता है, जबकि टेलीविज़न से हम ऑडियो और वीडियो दोनों फैसिलिटीज़ जो है हमें प्रोवाइड की जाती है. दूरदर्शन चैनल जो कि ऑफिशियल टीवी चैनल है हमारे इंडिया का, उसमें भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स और न्यूज़ जो हैं टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है और जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है. हियर योर लेसन इज़ कम्प्लीटेड. आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा. थैंक यू.